हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन वन एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन रिफ्रेश रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग का पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग का पेज ओपन करेंगे तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले का ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, इस पेज में आप नीचे आएंगे ना तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, इस पेज में आपको ना दो ऑप्शन मिलते हैं, एक हाई और दूसरा स्टैंडर्ड का। तो अगर आपका इसमें स्टैंडर्ड पे टिक मार्क लगा हुआ है ना, तो इसे आपको हाई पे टिक मार्क लगा लेना है, सर्कल पे, ठीक है, हाई पे टिक मार्क लगा लेना है। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन का स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है वो आपका बढ़ जाता है। इसे बढ़ाने से होता यह है कि हमारा फोन जो है ना बहुत ही स्मूथ काम करने लगता है, ठीक है, स्क्रोलिंग करने में बहुत ही स्मूथ काम करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिस्प्ले रिफ्रेश रेट को आप बढ़ा सकते हैं अपने फोन में।